सो गाइस, एपेक्स लेजेंड्स जल्दी कम बैक करने वाले वाइल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड इसके रिलेटेड कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ्स करके भी सामने आना शुरू हो गए हैं। एंड यहाँ पे मैं किसी भी चाइनीज गेम की या फिर हाई एनर्जी हीरोज की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात करूँ ऑफिशियल ईए के एपेक्स लेजेंड्स की, जिसे वो मोबाइल पे फिर से लॉन्च होने वाले हैं। एंड उसके रिलेटेड मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, पर वो प्रूफ्स जिस बारे में बात करने वाला हूँ उनको मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने करा तो या तो यूट्यूब या फिर ईए वाले मेरी वीडियो को टेकडाउन करा देंगे एंड मुझे कम्युनिटी स्ट्रैगी मिल जाएगी फ्री फंड में। और ऑलरेडी ये मैंने एक बार खो रखा है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो ऑलरेडी टेक डाउन हो रखी है, तो मैं उस चीज का दोबारा रिस्क नहीं लेने वाला। तो इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ उन प्रूफ्स के बारे में बात करूंगा, पर उन प्रूफ्स का भी शोकेस नहीं करूंगा ताकि मेरी वीडियो को कुछ भी ना हो। तो इसी के साथ शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एपेक्स लेजेंड्स वाइल्ड 2022 में लॉन्च हुआ था मई के अंदर एंड लॉन्च होते ही बहुत पॉपुलर हो गया था एंड इसके 10 मिलियन डाउनलोड्स भी एक या दो दिन के अंदर ही कंप्लीट हो गए थे। पर हम सबको पता है कि मई 2023 के अंदर लिटरली एक साल के अंदर इस गेम को शट डाउन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये गेम ईए के लिए एक मैसिव डिजास्टर की तरह देखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे कुछ मेजर रीजन थे। तो जो रीजन नंबर वन है वो ये कि प्लेयर ज्यादातर इस गेम सोलो खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ जो करेक्टर्स थे या फिर जो लेजेंड्स थे वो हद ज्यादा पावरफुल थे। एंड रीजन नंबर टू जो दिया जाता है वो ये कि कुछ लोगों के लिए ये गेम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था खेलना, पर रादर देन अदर्स उनके लिए बहुत ज्यादा सिंपल था। मैं अपनी बात करूँ तो ये गेम कुछ मैचेस में बहुत ज्यादा सिंपल होता था मेरे लिए। इक्का दुक्का मैच ऐसे मेरे को याद है जिनमें ये गेम मेरे लिए डिफिकल्ट हुआ था, जबकि मैं स्टार्टिंग के जब ये गेम लॉन्च हुआ था तब की बात कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि जब लोगों ने रैंक अप कर लिया, ये सब कर लिया, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन हुई होगी लोगों के लिए। तो इस वजह से भी लोगों ने इस गेम को खेलना छोड़ दिया। एंड जो रीजन नंबर थ्री है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है या फिर बहुत ज्यादा मेजर रीजन है इस गेम के फेलियर का। एंड वो ये है कि ईए ने जो प्रॉमिस किए थे इस गेम के लॉन्च से पहले, वो उनमें से बहुतों को फुलफिल भी नहीं कर पाया। जैसे कि प्रोप्ले इस गेम में होने वाला था पर वो नहीं था, इस गेम की मैकेनिज्म एंड जो करेक्टर मूवमेंट थी वो सिमिलर होने वाली थी, पीसी लेवल से नहीं थी, एंड इस वजह से ये गेम फेल होगा। जबकि गेम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज था ग्राफिकल लेवल में भी एंड परफॉर्मेंस लेवल में भी, बट लोगों को जो चीज चाहिए थी इससे वो नहीं मिली। इवन पीसी प्लेयर्स ने इसे जब ये गेम लॉन्च हुआ ट्राई भी किया, पर एक या दो दिन इसकी स्ट्रीम है वो वापस से पीसी में चले गए, मतलब कि पीसी के एपेक्स को खेलने लगे, क्योंकि उन्हें वो चीज इस गेम में देखने को नहीं मिली तो ढूंढ रहे थे। एंड ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स के साथ था, इवन मेरे साथ भी, एंड इस वजह से मैंने भी इस गेम को खेलना छोड़ दिया। पर जो लोग डेली बेसिस पर गेम को खेल रहे उनके लिए भी इस गेम को ईए रन नहीं कर पाया लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि ईए को इससे लॉन्ग रन में कोई प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ। एंड इवन जब इसके बारे में हमें ये पता चला था कि ये गेम मई 2023 के अंदर शट डाउन होने वाला, उसके रिलेटेड यही बताया गया था कि ईए को इस गेम के सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा है और उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये गेम अर्न करके नहीं दे रहा। कोई भी जो गेम है जो फ्री टू प्ले हो वो गेम माइक्रो ट्रांजेक्शन से ही अर्न करता है, एंड इस गेम में माइक्रो ट्रांजेक्शन थे, सब चीजें थी, पर फिर भी वो अर्न नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत देख और बहुत ही लिमिटेड लोगों ने उन स्किन्स को परचेज किया। लिटरली जो रेशो है ना 100 का, 100 हम अगर रेशो देखे तो 20-30% लोगों ने ही इस गेम में इन्वेस्ट किया है, और इस वजह से ईए को कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ एंड इस वजह से उन्होंने इस गेम को शट डाउन कर दिया मई के अंदर। पर मई में ही इसके सीईओ ने ये बात भी बोल दी कि वो इस गेम को दोबारा से स्क्रैप से बिल्ड करेंगे एंड उन हर एक चीज को इस गेम में डालने की कोशिश करेंगे जो प्लेयर्स ने उनसे डिमांड की थी या फिर वो चाहते थे इस गेम में। एंड इसके रिलेटेड प्रूफ करके सामने आने लगे हैं कि इस गेम के रिलेटेड कुछ मेजर अनाउंस हो सकता है जून तक, एंड इसके रिलेटेड एक फर्स्ट टीजर ट्रेलर या फिर फर्स्ट जो गेम प्ले स्क्रीनशॉट्स हैं वो निकल के सामने आ सकते हैं कुछ ही टाइम के अंदर, यानी कि अक्टूबर से नवंबर के अंदर, इस साल के एंड से पहले, और ये गेम दोबारा लॉन्च हो सकता है 2025 के अंदर या फिर 2026 के अंदर। और गाइस फाइनली इस गेम के अंदर हमें क्रॉस प्ले देखने को मिलने वाला है एंड मैकेनिज्म भी पीसी वाले देखने को मिलने वाला है एंड करेक्टर मूवमेंट्स भी। तो इसमें वो सब चीजें हुई जो ये गेम फिर से प्रॉमिस कर रहा है, तो ये गेम लॉन्च होते ही बहुत ज्यादा मैसिव सक्सेस हो जाएगा। एंड गाइस यही था चीज वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना एंड कमेंट कर जरूर देना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो को शेयर कर देना। एंड आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल दूंगे, मैं उन पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। और इसी साथ मैं आपको मिलूंगा ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।